बेस्ट लैपटॉप अंडर 20,000 रुपीज। देखो 20,000 के बजट में आपको लैपटॉप की बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही ऐसे लैपटॉप हैं जिन्हें हम एक्चुअली में काम के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि 20,000 के लैपटॉप के ऊपर आप काम क्या कर सकते हो। ऑफिस एंड स्कूल के सिर्फ बेसिक काम हो सकते हैं सभी लैपटॉप्स के ऊपर, लाइक ऑनलाइन सर्फिंग करनी है आपने, नोट्स बनाने हैं, कंटेंट कंज्यूम करना है, ऑफिस के लिए इनवॉइस निकालने हैं, प्रिंट निकालने हैं, ये सारे काम एकदम ही नॉर्मल से ये सारे काम इन सभी लैपटॉप्स के ऊपर हो जाते हैं। सीधी सी बात है कि 20,000 के पीरियड के लैपटॉप के ऊपर ना तो आप गेमिंग कर सकते हो, ना ही एडिटिंग कर सकते हो, और या फिर कोई भी हैवी काम है ना, तो वो सारी चीजें इन सभी लैपटॉप्स के ऊपर पॉसिबल नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आपको लैपटॉप बताने वाला हूँ ना, इन सभी कामों के साथ ही अगर आपने मल्टीटास्किंग करनी है तो वो सारी चीजें भी ये लैपटॉप सभी इजीली हैंडल कर लेंगे। विंडोज 11 के साथ आते हैं, एमएस ऑफिस प्री इंस्टॉल वाले लैपटॉप भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, एंड वो भी 20,000 के बजट में। सबसे पहला लैपटॉप है एचपी क्रोमबुक। देखो ये लैपटॉप स्पेसिफिकली उनके लिए है जिन्हें अपने लैपटॉप के ऊपर बिल्कुल ही बेसिक से काम करनी है। आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके लैपटॉप के अंदर विंडोज है या फिर नहीं है, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपको लैपटॉप मिलेगा तो विंडोज वाले सारे सॉफ्टवेयर तो नहीं चलेंगे, बट आपके सारे बेसिक काम इसके ऊपर हो जाते हैं। ऑफिस स्कूल के काम हो गए, ईमेल्स करनी है, कंटेंट वॉच करना है, इनवॉइसिंग वगैरह करनी है, ये सारे काम इन लैपटॉप के ऊपर हो जाते हैं। इसका जो करंट प्राइस चल रहा है दैट इज अराउंड 21,000 रुपीज। अगर आपको ये लैपटॉप 21,000 से ज्यादा के प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है ना, फिर ये आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। नाउ द थिंग इसके ये लैपटॉप ना टच स्क्रीन लैपटॉप है, 2-in-1 लैपटॉप है, 360 डिग्री की हिंज मिल जाती है, तो इसकी स्क्रीन को आप घुमा के टैबलेट की तरह भी इस लैपटॉप को यूज कर सकते हो। प्लास्टिक बिल्ड बॉडी मिल जाती है। देखो सिर्फ 20,000 के प्राइस पॉइंट पे ना आपको टच स्क्रीन लैपटॉप मिल रहा है। इंटेल सेलेरॉन N4020 प्रोसेसर दिया गया, 2 कोर्स एंड 2 थ्रेड्स वाला, 4 GB की रैम मिल जाती है 2400 MHz वाली, साथ में 64 GB की eMMC स्टोरेज मिल जाती है, एंड उसी के साथ ही 100 GB क्लाउड स्टोरेज की स्पेस आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है 1 साल के लिए। स्टोरेज इसकी एक्सपेंडेबल है बट रैम को एक्सपेंड नहीं कर सकते हम। 14 inches की HD डिस्प्ले, टच स्क्रीन डिस्प्ले है, 220 nits की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। इंटेल के USD ग्राफिक्स हो गए, सारी नेसेसरी बोर्ड्स हैं लैपटॉप में, गूगल असिस्टेंट भी आपको इसके अंदर मिल जाता है इनबिल्ट। तो ये लैपटॉप आपने जरूर कंसीडर करना है। क्रोमबुक है, 2-in-1 लैपटॉप है, टच स्क्रीन लैपटॉप है, सिर्फ 20,000 के प्राइस पॉइंट पे आपको मिल रहा है। गो फॉर इट, बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब ये लैपटॉप है इन्फिनिक्स का, इन्फिनिक्स इनबुक X1 नियो। अगर आपको सिंपली कहूं तो ये लैपटॉप जो है ना वो इस पीरियड का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग एंड टोटली वर्थ इट लैपटॉप है। सारे बेसिक काम इसके ऊपर हो सकते हैं, एंड लैपटॉप के अंदर आपको क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया, थिन एंड लाइट कैटेगरी वाला लैपटॉप है। इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1200 ग्राम्स। तो इस लैपटॉप को कैरी करना बहुत ही ज्यादा आसान है। बैकलिट कीबोर्ड आपको इसके अंदर मिल जाता है, तो अपने प्राइस को ये लैपटॉप टोटली जस्टिफाई करता है, क्योंकि देखो इसी पीरियड के अंदर दूसरा ऐसा कोई भी लैपटॉप नहीं है जिसके अंदर आपको मेटल की बॉडी मिल रही है। इसकी टॉपलेट मेटल की है, आफ्टर दैट उसके अंदर आपको बैकलिट कीबोर्ड दिया गया। इसका जो प्राइस है वो 2,000 रुपए ज्यादा 20,000 से, 22,000 के करीब आपको ये लैपटॉप मिल रहा है। बट अगर आप इसे डिस्काउंट वगैरह में बाय करते हो तो ये लैपटॉप आपको 20,500 के करीब इजीली मिल जाता है। प्रोसेसर दिया गया इंटेल का सेलेरॉन क्वाड कोर प्रोसेसर है N5100, 4 कोर 4 थ्रेड्स, एंड N5100 की जो परफॉर्मेंस है ना वो N4020 से ज्यादा बेटर है। दोनों के स्कोर्स आपके सामने, वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो। 4 GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, डुअल चैनल रैम है 2933 MHz वाली, रैम इसकी एक्सपेंडेबल नहीं है, साथ में 128 GB की SSD मिल जाती है लैपटॉप में, एंड इसकी स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल नहीं है। 14 इंचेस की फुल एचडी आईपीएस एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, 300 निट्स की ब्राइटनेस, 100% sRGB, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, NTSC 72% है। देखो हैंड्स डाउन डिस्प्ले के सिनेरियो में ना ये लैपटॉप इस बजट का सबसे बढ़िया डिस्प्ले वाला लैपटॉप है। इतनी अच्छी डिस्प्ले आपको इसी बजट के दूसरे किसी लैपटॉप में नहीं मिलने वाली। इंटेल के USD ग्राफिक्स हो गए, सारी नेसेसरी बोर्ड्स हैं लैपटॉप में। ये लैपटॉप टाइप सी चार्जिंग के साथ आता है, थिन एंड लाइट लैपटॉप है, बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया, आफ्टर दैट इसके अंदर आपको रैपिड फास्ट चार्जिंग की भी सपोर्ट मिल जाती है। फ्रॉम 0 to 100% इस लैपटॉप की जो बैटरी ना वो सिर्फ 90 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। तो ये लैपटॉप आप सभी के लिए हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है, आपने इसे जरूर कंसीडर करना है। गो फॉर इट, बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट इज असूस का लैपटॉप, असूस ईबुक 14 लैपटॉप। आप में से जितने भी यूजर्स असूस लवर होना एंड आपको 20,000 से 22,000 के प्राइस पॉइंट पे असूस का लैपटॉप बाय करना है, ये लैपटॉप आपके लिए वन ऑफ दी परफेक्ट ऑप्शन है। 22,000 रुपए इस लैपटॉप का करंट प्राइस चल रहा है, बट कभी कभी ये लैपटॉप 1-2,000 रुपए सस्ता भी मिल जाता है। 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है लैपटॉप में, इंटेल सेलेरॉन N4500 प्रोसेसर दिया गया, 2 कोर्स एंड 2 थ्रेड्स वाला, 4 GB की रैम मिल जाती है। अब इसकी जो रैम है ना दैट इज 2933 MHz वाली, बट इसकी रैम को हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, इसकी रैम एक्सपेंडेबल है 8 GB तक। देखो एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि सारे लैपटॉप की रैम डिफरेंट होती है। कई लैपटॉप ऐसे हैं जिसके अंदर आपको 3200 MHz वाली रैम कंपेटेबल होती है, कई के अंदर 29 MHz वाली या फिर 26 MHz वाली। तो ये सारे लैपटॉप की रैम हर एक लैपटॉप के साथ कंपेटेबल नहीं होती। आपके लिए एक चीज कर रहा हूँ कि जिस भी लैपटॉप के साथ जौन सी रैम कंपेटेबल है ना, उसका लिंक भी आपको साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में 256 GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 14 inches की HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 200 nits की ब्राइटनेस, 60 Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया, इंटेल के USD ग्राफिक्स, 1 मंथ ट्रायल बेसिस पे आपको MS Office मिल जाता है, सारी नेसेसरी बोर्ड्स
प्रोफेशनल लैपटॉप में। इसके अंदर आपको इनोवेटिव नंबर पैड दिया गया है। इसका जो नंबर पैड है ना वो ट्रैक पैड के ऊपर ही है, तो आप एक बटन के थ्रू उसे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। एक्चुअल में ये लैपटॉप भी आप सभी के लिए हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि ये लैपटॉप इस टाइम पे वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है इस पीरियड का। गो फॉर इट, बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट यार एक चीज है, देखो अगले जो दोनों लैपटॉप मैं आपको बताने वाला हूँ ना, उनके लिए आपको अपना बजट थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अपने बजट को पुश कर सकते हो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप एक ऐसी चीज है जिसे हम फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते। लिनोवो V15 लैपटॉप 30,500 रुपए इसका करंट प्राइस चल रहा है। इंटेल सेलेरॉन N4500 प्रोसेसर दिया गया लैपटॉप में। आपके जितने भी बेसिक से काम है, आपके जितने भी डेली ड्यू टू डे टास्क है ना, वो सारे इसके ऊपर इजिली हो जाते हैं। N4500 प्रोसेसर दिया गया 10 जनरेशन का। सिनेमन स्कोर आपके सामने, मल्टीटास्किंग बहुत ही बढ़िया से हैंडल कर लेता है लैपटॉप। 8GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, 2933 MHz वाली। इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। साथ में 256GB की SSD विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 512GB। 15.6 inches की FHD एंटीक्लियर डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में। 250 nits की ब्राइटनेस है। इंटेल के USD ग्राफिक्स हो गए। सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में। प्राइवेसी शटर कैमरा भी दिया गया है। बहुत ही कम ऐसे लैपटॉप इस बजट के अंदर आपको मिलते हैं जिसके अंदर आपको प्राइवेसी शटर कैमरा मिल रहा हो एंड उसके अंदर आपको 8GB की रैम दे रखी है। तो ये लैपटॉप भी आप सभी के लिए हाईली रिकमेंडेड है, गो फॉर इट। अगला लैपटॉप है लिनोवो का, लिनोवो E4155। देखो एक चीज है कि ये जो लैपटॉप है ना वो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 27,000 rupees। AMD Ryzen 3 प्रोसेसर दिया गया 3250U, 2 cores and 4 threads वाला। 8GB की रैम है, 512GB की SSD है। सबसे ज्यादा SSD आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल रही है एंड दोनों ही चीजें एक्सपेंडेबल है। 16GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं एंड साथ में स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल है इसकी। 14 inches की HDTN डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में। 220 nits की ब्राइटनेस। AMD की रेडियन ग्राफिक्स। अब ये जो लैपटॉप है ना ये आपको दो वेरिएंट्स के अंदर मिल जाता है। एक में आपको MS Office मिलेगा, दूसरे के अंदर आपको प्री इंस्टॉल MS Office नहीं मिलता। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो लैपटॉप MS Office लाइफटाइम वैलिडिटी के साथ में आता ना, उसका प्राइस इससे 1,000 रुपए फिर बढ़ जाता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन दोनों में से लैपटॉप चूज कर सकते हो। दोनों के बेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो यार दीज आर दी बेस्ट लैपटॉप अंडर 20,000 rupees इन 2023। देखो सारे मैंने मिक्स लैपटॉप आपको बता दिए हर एक बजट के अकॉर्डिंग एंड हर एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपको 20,000 के बजट के अंदर टच स्क्रीन लैपटॉप चाहिए तो HP Chromebook को बाय कर सकते हो। अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा पुश कर सकते हो तो लिनोवो के दोनों ही लैपटॉप आपके लिए वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि 8GB की रैम के साथ आ रहे हैं वो। एंड 20,000 से 22,000 के बजट में इन्फिनिक्स का लैपटॉप बहुत ही बढ़िया एडिशनल फीचर्स के साथ मिलता है आपको। इतनी बढ़िया उसकी डिस्प्ले है एंड रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी वो लैपटॉप सपोर्ट करता है। आफ्टर दैट ASUS ebook 14 लैपटॉप भी आप सभी के लिए हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि वो भी लैपटॉप इस टाइम पे वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। आपने सिर्फ एक चीज करनी है कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ना इनमें से किसी भी लैपटॉप को बाय कर लेना है। सभी के बेस्ट लिंक्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी ऐड कर दिया मैंने एंड इन केस अगर आपकी फिर भी कोई भी क्वेरी रहेगी तो प्लीज उसे भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।